सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट SST, बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट SST, जिसका जितना आप ज्ञान लोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। बुक्स नेम हियर लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 एंड डेटेड 2nd September 2020। लेसन नंबर 6, राजनीतिक दल लोकतंत्र। यदि हम भारत में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, तो इस राजनीतिक दल इस चैप्टर को तो बिल्कुल आपके टिप्स पे आपको आना चाहिए। राजनीतिक दल मीन्स इन इंग्लिश पॉलिटिकल पार्टीज, जो नेता लोग आपके गांव में आते हैं वो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं। क्या कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, वोट डालने का अधिकार, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक दल। यह एक संवैधानिक ढांचे को बनाने, चुनाव राजनीति तथा सरकार की कार्यप्रणाली के लिए और भी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका काम चुनाव में भाग लेना, लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो रखना और सरकार बनने के बाद में अपने राज्य में या देश के अंदर वो क्या क्या नई योजनाएं लागू कर सकेगी। सबसे पहले राजनीतिक दल का अर्थ जाना है। किसान क्या होता है, विद्यार्थी क्या होता है, अध्यापक क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? एक विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों का संगठित समूह, यानी कि पूरी पार्टी की एक विचारधारा, संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार बनाने हेतु काम करता है। राजनीतिक दल या मैं चर्चा कर दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका एक विचारधारा है कि पूरा देश धर्म निरपेक्ष राज्य। दूसरा भारतीय जनता पार्टी, जिसकी विचारधारा स्वदेशी से ज्यादा जुड़ी हुई है। उसके बाद में क्षेत्रीय दल भी आएंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल के अंग, यानी कि राजनीतिक जो दल होता है उसमें क्या क्या होता है, अंग कौन है। जैसे क्लासरूम का अंग क्या होता है, क्लासरूम का अंग विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी के साथ अध्यापक होता है, अध्यापक के साथ ब्लैक बोर्ड होता है, आपकी बुक्स होती है। इसी प्रकार राजनीतिक दल के जो अंग होता है उसमें नेता का होना जरूरी है। वो पार्टी का अध्यक्ष होता है, जैसे वर्तमान में JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं, अभय चौटाला अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजय चौटाला अभी 2 रोज पहले JJP के अध्यक्ष बने हैं। सक्रिय सदस्य, एक नेता होते एक सक्रिय सदस्य, यानी उस पार्टी के अंदर उस पार्टी के सक्रिय सदस्य या नेता भी कह सकते हैं, छोटे नेता। अब जैसे कांग्रेस पार्टी हरियाणा की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस के बहुत से लीडर्स हैं, आपको हर इलाके में मिल जाएंगे। फिर आता नंबर 3, अनुयायी या समर्थक। आप अपने गांव में और आसपास कई बार आपको कोई पार्टी का नेता आता है तो गांव के आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, कोई इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थक होता है, कोई JJP का समर्थक होता है और कोई कामरेडों का समर्थक होता है। तो इस प्रकार की पार्टियों के अंदर ये नेता होते हैं, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित होते हैं। शासक दल क्या होता है, शासक दल का मतलब शासन करने वाला दल, चुनाव जीतने के बाद जिसको ज़्यादा संख्या मिल जाए। अब हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसके पास 46 होंगी, यानी कि 45 के बाद 46, वो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, उसके पास संख्या होनी चाहिए, तो सरकार का गठन करते हैं। वर्तमान में 40 भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी, 10 JJP ने जीती थी, 3-4 इंडिपेंडेंट नजरिए हैं जिनके पास बहुमत है और इस सरकार जो गठन है वो एक गठबंधन के तहत मनोहर लाल खट्टर इसके मुख्यमंत्री। विरोधी दल क्या होता, विरोध करना, विरोध का मतलब एक सत्ता में होता है जो सरकार चला रहा है, दूसरा विपक्ष में होता है जो सत्ता में नहीं होता, विपक्ष में होता है सरकार को सही रास्ते पर लाने का काम करता है। एक दलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली का मतलब एक ऐसा देश या ऐसी प्रणाली जिसमें देश के अंदर एक ही प्रणाली, एक ही राजनीतिक दल हो, यानी कि
यदि कांग्रेस होगी तो कांग्रेस ही हो, भारतीय जनता पार्टी हो तो भारतीय जनता पार्टी, और किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दल हो उसमें गिने चुने दल से, जिसमें मैं एग्जाम्पल चीन का दे रहा हूँ, जहाँ साम्यवादी दल है, एक ही दल है, उसका नेता बदल जाता है, यानी आज जिनपिंग है उसके बाद में कोई दूसरा नेता आ जाएगा, दल एक ही रहेगा। उसके बाद द्विदलीय प्रणाली, द्वि का दो, ऐसी प्रणाली जिसमें दो ही राजनीतिक दल पंजीकृत हो देश के अंदर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंग्लैंड में और अमेरिका में दो ही राजनीतिक दल है। अब जैसे भारत में दो राजनीतिक दल की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, तो सत्ता में या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो अमेरिका के अंदर अब वर्तमान में ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति है, वहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली भी है और चुनाव भी नवंबर में होने वाला है अमेरिका में। बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय बहु से मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसी प्रणाली जिसमें अनेक दल हों, दो से ज़्यादा दल पंजीकृत हों, ऐसी प्रणाली आपके इस देश में है, इसमें भारत में। अब गांव में वार्ड का मेंबर का जो चुनाव होता है, आप देखते हो 6-7 बार मेंबर खड़े हो जाते हैं, गांव में सरपंच में 10-12 खड़े हो जाते हैं, एमएलए का चुनाव आता है तो कब आप देखते हो कि कभी धूड़ा राम वोट मांगने आ जाते हैं, प्रहलाद खेड़ा डॉक्टर शिवाच आ जाते हैं, बलवान दोधपुरी आ जाते हैं, जरनैल सिंह आ जाते हैं, लक्ष्मण नापा आ सकते हैं, यानी कि अनेक लोग अनेक पार्टियों से चुनाव में खड़े हो जाते हैं। और भारत में 750 दल पंजीकृत है, कौन से राजनीतिक दल छोटे मोटे। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग क्या चीज़ है, चुनाव आयोग का मतलब चुनाव कराना। चुनाव आयोग के दो काम है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और चुनाव का सफल आयोजन करना। सफल का मतलब कोई भेदभाव ना हो, गांव में जिस प्रकार जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे और चुनाव आयोग नहीं होगा तो पैसे के बल के पर चुनाव जीत सकता है। किसी कंस्टिट्यूंसी में राजनीतिक दल का बहुत बड़ा नेता है, उसके पास बहुत पैसे है, तो गांव के वोट खरीद सकता है, इसका ध्यान रखना इसका काम है। राजनीतिक दलों की जरूरत, जरूरत क्यों पड़ी, अब किसान को खेती बाड़ी करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, सिंचाई के साधनों की जरूरत पड़ती है, बीजों की जरूरत पड़ती है, खादों की जरूरत पड़ती है, स्प्रे की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार राज्य एक देश के अंदर सरकार, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, इस भारत में हम सब लोग सरकार नहीं चला सकते, यानी कि गांव के सब लोग भी गांव की सरकार नहीं चला सकते, वहां भी एक आदमी सरपंच चुनना पड़ता है, तो देश तो बहुत बड़ा है। इसलिए राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है जो देश को चलाने के लिए। गठबंधन क्या होता है, गठबंधन जोड़ा, कई बार एक पार्टी को सत्ता नहीं मिलती, जैसे मैं एग्जाम्पल छोटा सा हरियाणा का लेता हूँ, 40 भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, 90 सीट है, ये सरकार नहीं बना सकता। इसको समर्थन दिया दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने, जिसके 10 है, 40 और 10 50 हो गए, चाहिए कितने थे 46। इसका मतलब हरियाणा में वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, दो पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है, इसको गठबंधन कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मतलब होता है जो केंद्र के अंदर है, राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, कम्युनिस्ट वो राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल है, और भी अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं। उसके बाद आता है क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल का मतलब होता है कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका केवल एक स्टेट में प्रभाव होता है। अब आपने प्रकाश सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब में, वो क्षेत्रीय दल है, उसका प्रभाव कहाँ है, केवल और केवल पंजाब में। अब हरियाणा में तो चलो 5-7 साल से थोड़ा सा बदलाव आ गया, वरना लोकदल, राष्ट्रीय जो लोकदल था उसका प्रभाव 90% हरियाणा में था, चौधरी देवीलाल के समय, ओम प्रकाश चौटाला के समय, वो क्षेत्रीय दल है। थोड़े समय के लिए कुलदीप बिश्नोई ने भी एक हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी, वो भी क्षेत्रीय दल था, तो वो केवल हरियाणा हरियाणा में मौजूद था। उसके बाद आता है दल बदल। कई बार आपने देखा होगा कोई आदमी चुनाव को जीतता है किसी पार्टी से, और चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है, ये हमारे देश में आम बात है, यानी कि लोभ में, लालच में और मंत्री पद के लालच में इस प्रकार वो अपनी कंस्टिट्यूंसी और लोगों को धोखा देता है। तो वो यदि अपनी पार्टी का ही नहीं होगा तो देश और अपनी कंस्टिट्यूंसी का क्या होगा। इसके लिए दल बदल कानून भी लाए गए हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र का घृणित जो प्रारूप है वो अब दूसरा एक सामने आया है, कि बहुत से लोग इस्तीफा दे देते हैं, सरकार गिरा देते हैं,
पैसे और लोभ के लालच में, तो ये भी एक देश के लिए लोकतंत्र प्रक्रिया में चुनौतियां हैं। तो इस पूरे राजनीतिक दल को आप रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।